हेलो, माय नेम इज़ जेनिफर नायर। मैं 20 साल की हूँ और मुंबई से हूँ। सो मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने मिस फैब इंडिया किया है और मिस फैब मुंबई, और अभी रिसेंटली मैंने दार्शनिक आइकॉनिक अवार्ड किया था जहाँ पे मैं बना थी। सो यस, आई एम अप फॉर द क्वेश्चंस। या जर्नी मेरी स्टार्ट तो मिस फैब मुंबई से ही हुई थी। वो मेरा फर्स्ट पेजिंग था, वहाँ से ही मुझे और एक्सप्लोर करने मिला मॉडलिंग के बारे में, और जानने मिला और फोटोशूट्स करने मिले और दूसरे पेजिंग्स के बारे में पता चला। बचपन में किससे शौक था आपको ये सब करने का, या फिर? बचपन में मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक था। मैंने बचपन में थिएटर भी थोड़ा बहुत किया था, और अभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं वापस उस लाइन में जाऊँ या फिर कुछ और काम करूँ उसमें। आप लड़की हो, जब आपने फर्स्ट टाइम मम्मी डैडी से कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे इस फील्ड में जाना है, और जब भी इस फील्ड की बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार बहुत वल्गर है यहाँ पे, बहुत गंदगी यहाँ पे, तो डैडी मम्मी ने या भाई ने कुछ कहा किसी ने फैमिली से? मेरे मॉम डैड एक्चुअली बहुत सपोर्टिव थे इस चीज़ के लिए। उनको ये चाहिए था कि जो भी मैं करूँ बहुत अच्छे से करूँ, और जो भी मैं करूँ वहाँ पे मैं सक्सेस हूँ, अगर सक्सेस भी नहीं होती बट इतना करूँ कि मुझे इनफ हो जाए, मैं सेटिस्फाई हूँ अपने लिए। तो फर्स्ट टाइम जब आप एक्टिंग किए, क्या किए थे, क्या? बहुत छोटा सा रोल था, मैं 6 साल की ही थी, और वो एक छोटा सा लाइक ड्रामा था, मतलब थिएटर में ही था, और वो एक कॉमेडी सीन था एक्चुअली। मैं कुछ याद है? नहीं, अभी बहुत छोटी थी, याद नहीं। किससे इंस्पायर हो आप, किस एक्टर एक्ट्रेस से इंस्पायर? मैं डैनियल डे लुइस से इंस्पायर हूँ, और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है मेरिल स्ट्रीप। इंडियन की बात करो, बॉलीवुड की बात करो? बॉलीवुड में शाहरुख खान और विद्या बालन। तो उनकी कौन सी फिल्में ऐसी है या कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपको अभी भी याद रहता है? मुझे विद्या बालन का एक डायलॉग बहुत ज़्यादा पसंद है कि ज़िंदगी सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। तो पीछे की ओर दिख रहा है गोल्डन वाला, एक दिख रहा है दादा साहब फाल्के। हाँ, ये एक दादा साहब फाल्के टेलीविजन नेशनल अवार्ड है, और ये है दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड जो मैंने अभी रिसेंटली जीता था। ये तो फिलहाल पार्टिसिपेशन ट्रॉफी है, बट दूसरी ट्रॉफी यहाँ पे नहीं है अभी। फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि अभी इस इंडस्ट्री में और आगे बढ़ना है और काम करना है और सीखना भी है। कोई ड्रीम ऐसा कोई है इसके साथ में काम करने का? ड्रीम तो मेरे बहुत सारे हैं, जैसे आउट ऑफ इंडिया भी काम करना है ताकि मैं अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकूं इसी फील्ड में, और मेरी दूसरी जो फील्ड है जहाँ पे मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और मैं आगे जाके डॉक्टर बनने वाली हूँ उसमें, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने देश का और अपने माँ बाप का सबका नाम रोशन करूँ। एक्टिंग वगैरह कोर्स आपने किया कहीं से कुछ? फिलहाल तो नहीं, बट हाँ मैं अभी सोच रही हूँ कि कोई कोर्स करूँ एक्टिंग में। अच्छा, गाने को लेके कुछ कभी गाना सिंग सॉन्ग किया है या कुछ ऐसा? सिंगिंग मैं इतना अच्छा सिंगिंग नहीं करती एक्चुअली मैं, हाँ बट मैं डांस ज़रूर करती हूँ। मैंने 2 साल ब्रेकिंग सीखा है और 10 साल बॉलीवुड सीखा है। सुना कुछ गिटार बजाते हैं, म्यूजिक में कुछ? नहीं नहीं, मैंने सीखने की कोशिश की थी, मैंने पियानो सीखने की कोशिश की थी और गिटार भी सीखने की कोशिश की थी। बजाते हो अभी आप, क्या फिर? नहीं नहीं, अभी तो है नहीं मेरे पास, वो टूट गया है, बट हाँ अभी वापस कोशिश करूँगी कि वो सब चीज़ें वापस कर पाऊँ, क्योंकि म्यूज़िक बहुत अच्छा वे है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आप कितने प्रिपेयर्ड हो बॉलीवुड में आने के लिए, भी उम्र छोटी है आपकी? और प्रिपेयर्ड तो मैं पहले बचपन से ही थी, मतलब जब से मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी, पर हाँ अभी थोड़ा लाइक सोचती हूँ कि और ज़्यादा परफेक्ट हो जाओ उसमें आने के लिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है, और मैं ये नहीं चाहती कि किसी और का चांस मेरी वजह से चले जाए। घर में फैमिली है तो मैं ये ज़्यादातर अवॉइड करूँगी कि मैं वो सब काम ना करूँ और ऐसे शोज करूँ जहाँ पे सब सारी ऑडियंस मुझे देख पाए, बच्चे बूढ़े सब लोग। मतलब अगर आपको कोई ऑफर देता है काम का तो किस तरह का वेब सीरीज या सीरियल या सॉन्ग करना चाहूँ? मैं वैसा ही करना चाहूँगी जैसा मुझे मेरे पेरेंट्स परमिशन दे, वैसा ही जो मैं खुद को अलाउ कर सकूँ, जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, हमने सुना है कि काफ़ी
आपको बड़ा करने में मम्मी का बहुत बड़ा हाथ रहा है और उन्होंने भी काफी सहयोग किया, उनके बारे में बताओ। सो मेरी मॉम का एक्चुअली बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जितना भी मैंने जो भी किया है आज और अभी ये इंटरव्यू में भी उन्होंने ही मुझे प्रिपेयर किया है। और उनका सबसे बड़ा बचपन से लेके अभी तक में सबसे ज़्यादा हाथ मेरी मॉम का ही था मेरे। अपने फादर के बारे में कुछ बताओ। सो मेरे डैड एक ये इन्वेस्टमेंट बैंकर है और वो मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं, बट वो हर चीज़ में हर जगह पर अवेलेबल नहीं होते, बट स्टिल वो अपने आप से सपोर्ट करते रहते हैं मुझे। आखिर में क्या कहेंगे लोगों से जो आपकी यंग लड़कियां यंग लोग जनरेशन चाहती है फिल्म उनके लिए आते हैं? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी कर रहे हो इतना अच्छा करो कि आपको कोई रोक ना पाए, कोई भी नेपोटिज्म या कुछ भी हो या कोई भी दूसरा इश्यू हो वहाँ पर आपको कोई रोक ना पाए, या बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आप मानते हो नेपोटिज्म चलता है? मैं यही चाहती हूँ कि जो डिजर्विंग है उनको चांस मिलना चाहिए, चाहे वो साकिज हो चाहे वो नॉर्मल कोई भी हो। अच्छा, अगर बात करें तो रैंप पे चलने का आपको बहुत शौक है। हाँ, तो ये आगे अगर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिलता है तो क्या कुछ सोचा उसके लिए? हाँ, मैंने सोचा है कि और आगे और भी वीडियोज़ नहीं मतलब फैशन शोज वगैरह करने हैं और भी पेजेंट्स करने हैं, क्योंकि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ ब्यूटी नहीं होती बट और भी ज़्यादा चीज़ें होती है। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बाहर आता है, वहाँ पे आपके दूसरे सब स्किल्स बाहर आते हैं। रैंप की बात करते हैं, आप प्लान है मिस यूनिवर्सल या मिस इंडिया इस तरह से? श्योर, ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्यों नहीं। ऑफ कोर्स मेरा वो ड्रीम है कि मैं एक दिन मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स करूँ। ट्राई किया इस चीज़ के लिए? ट्राई करना काफ़ी कुछ, अभी ट्राई इतना तो नहीं किया क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अभी उस लेवल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, और मैं करने के लिए भी तैयार हूँ। और हाँ, एक दिन ज़रूर मैं चाहूँगी कि मैं उस लेवल पे वॉक करूँ। थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।